माननीय स्टूडेंट्स नमस्ते। आई एम उदयराज मिश्रा, प्रमोटर लेक्चरर फ्रॉम गांधी स्मारक इंटर कॉलेज राजे सुल्तानपुर अंबेडकर नगर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द सेकंड पोएट्री ऑफ आवर पोएट्री सेक्शन। नेम ऑफ द लेसन इज द ट्रू ब्यूटी व्हिच इज कंपोज्ड बाय थॉमस केरी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के अंतर्गत अंग्रेजी विषय में पोएट्री सेक्शन की द्वितीय कविता द ट्रू ब्यूटी, जिसके रचनाकार थॉमस केरे महोदय हैं, उसको पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग अबाउट द लेसन एंड अबाउट द कंपोजिटर बिफोर वी रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता के प्रथम स्टैंजा को पढ़ने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम लोग इस पाठ के बारे में और इस पाठ के रचनाकार के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करें। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ट्रू ब्यूटी? इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिबेट। सच्ची सुंदरता क्या है, यह डिबेट का विषय वस्तु। ईच एंड एवरीबडी डिफाइंस विद रिगार्ड एज टू हिज ओन विल, ओन डिजायर एंड ओन नॉलेज। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज्ञान और अपनी इच्छा के अनुसार इसको परिभाषित करता है। बट थॉमस केरे सर हैज डिफाइंड विद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रू ब्यूटी एंड फॉल्स ब्यूटी इन दिस पोयम वेरी 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 क्लियरली। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में इन दिस पोयम थॉमस केरे सर हैज डिफाइंड ए डिफरेंस बिटवीन ट्रू ब्यूटी एंड फॉल्स ब्यूटी एंड एट लास्ट ही हैज मेड ए सुप्रीमेसी ऑफ ट्रू ब्यूटी ओवर फॉल्स ब्यूटी। मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू ब्यूटी इज प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड कलेक्शन ऑफ वर्चूज, गुड हैबिट्स। Whether beauty on the basis of beauty with regards to physical charms means external beauty is not true beauty because it passes with the passing of time, क्योंकि यह समय को गुजरने के साथ साथ गुजरती जाती है। It is not everlasting, यह कभी भी अस्थाई नहीं होती है। The thing which is not permanent, द थिंग कुछ ना वो डजंट रिमेन परमानेंट, वो वस्तु जो कभी स्थाई नहीं रहती। वी कैन नॉट से हिम ट्रू, हम उसे सत्य नहीं कह सकते। व्हिच इज नॉट ट्रू, और जो सत्य नहीं है, कैन नॉट बी सत्यम शिवम सुंदरम, कैन नॉट बी ट्रू। और जो सत्य नहीं है, अस्थाई नहीं है, उसे हम सच्ची सुंदरता नहीं कह सकते। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में थॉमस केरे महोदय ने वास्तविक सुंदरता और झूठी सुंदरता के बीच में एक विभेद स्थापित करते हुए वास्तविक सुंदरता अर्थात गुणों की सुंदरता को झूठी सुंदरता अर्थात शारीरिक सुंदरता के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम लोगों को यह शिक्षा दिया है कि चमड़ी नहीं दमड़ी देखनी चाहिए। चमड़ी मीन्स एक्सटर्नल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल चार्म्स, एंड दमड़ी मीन्स इंटरनल ब्यूटी, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड कलेक्शन ऑफ गुड आइडियाज। मॉडर्न स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस कविता के प्रथम स्टैंजा पर आते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस कविता के बारे में अवश्य आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर लिए होंगे।
The first stanza begins with he that and ends on waste away. In these six lines, Thomas Keresser defines external duty and tells us that external beauty doesn't remain permanent. It ruins day by day. So, love made on the basis of external beauty is not true beauty, because physical beauty is not true beauty. Let us come and read the first stanza of the poem The True Beauty, composed by Thomas Keresser. He that loves the rosy cheek, he that loves the rosy cheek, or a coral lip admires, or from a starlight eye does seek fuel to maintain his fires. As old time makes this decay, so his flames must waste away. Matter students, once more. He that loves the rosy cheek, or a coral lip admires, or from starlight eye does seek fuel to maintain his fires. As old time makes this decay, so his flames must waste away. He that loves a rosy cheek. My dear students, rosy cheeks, gulabi gaal, and are a coral lip admires. यहाँ पर रोजी means as like रोज, गुलाब की तरह. गुलाब प्रायः लाल रंग का होता है, इसीलिए रोजी means गुलाबी अर्थात गुलाब की तरह लाल लाल रंग. कोरल, कोरल एक प्रकार का पत्थर होता है जो समुद्र की तलहटी में पाया जाता है. इसे श्रृंगार के रूप में, एक नग के रूप में, अंगूठी इत्यादि में पहना जाता है. यह लाल रंग का होता है, इसीलिए यहाँ पर कोरल लिप अर्थात ओंठों का भी एडजेक्टिव कोरल अर्थात लाल लाल ओंठों जैसे की व्याख्या की गई. एडमायर मीन्स प्रेजेंट. और फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, स्टार लाइक आईज, यहाँ पर लाइक शब्द जो है वर्ड ऑफ कंपेरिजन, तुलना का है, इसलिए यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली. डथ, दिस पोएम हैज बीन रिटन इन इटालियन स्टाइल, वेयर डथ इज प्रेजेंटेड एज डथ, जहां पर डथ को डथ लिखा जाता है, यहाँ इसको हम डच पढ़ेंगे. फ्यूल टो मेंटेन हिज फायर्स, फायर्स मीन्स फायर ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला, प्रेमाग्नि. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, डीके मीन्स रुइन, नष्ट होना, बर्बादी. शो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स माने ज्वालाएं, प्रेम की भावनाएं. वेस्ट अवे मीन्स नष्ट हो जाना. माय स्टूडेंट्स, ही दैट लव द रोजी चीक, थॉमस केरे सेज that if a person loves anybody on the basis of his or her rosy cheeks, यदि कोई व्यक्ति किसी के लाल लाल गुलाबी गालों के आधार पर उसको प्यार करता है, or a coral lip admires, admire means pleasures, desires, या if a person prejudge anybody because his or her lips are red like coral, या कोई व्यक्ति अगर किसी के ओठों की इसलिए प्रशंसा करता है कि उसके ओठ मूका की तरह लाल लाल है, और अंधा, और from star like eyes, या आसमान में टिमटिमाने वाले चमकीले तारों जैसे नेत्रों से सीख बनाए रखता है,
फ्यूल माने अपने ईंधन को, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की ज्वाला को, अग्नि को जलाने के लिए। या कोई व्यक्ति किसी के तारे जैसे चमकीले नेत्रों से अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने का ईंधन प्राप्त करता है, या किसी के तारे जैसे नेत्रों से अपने प्रेम की ज्वाला को धधकाए रहता है, जलाए रखता है। थॉमस कैरियर कहते हैं, एज योर टाइम मेक्स दिस डिके, जब बुढ़ापा आता है, जैसे ही बुढ़ापा आता है, एज योर टाइम, जैसे ही बुढ़ापा आता है, मेक्स दिस डिके, तो बुढ़ापा दिस डिके इन सभी चीजों को नष्ट कर देता है। दिस मींस रोजी चीक्स, बुढ़ापा आने पर गुलाबी गाल जो होते हैं वो डीके हो जाते हैं, गालों में गड्ढे हो जाते हैं। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, या मुंह का केतरा जो लाल लाल ओंठ है, ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, बुढ़ापा उन मुंह का केतरा लाल लाल ओंठों को भी मेक्स डीके नष्ट कर देता है। ओंठ लटक जाते हैं, उनसे लाल टपकने लगती है, उनकी खूबसूरती समाप्त हो जाती है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या तारे जैसे चमकीले नेत्रों से, एज ओल्ड टाइम मेक्स, बुढ़ापा आने पर बुढ़ापा मेक्स दिस डीके, इन तारे जैसे चमकदार नेत्रों को भी डीके नष्ट कर देता है। आंखों में गड्ढे हो जाते हैं, आंखों में गंदगी भर जाती है, आंखों की ज्योति कमजोर हो जाती है, आंखों की चमक चली जाती है। अर्थात एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जब वृद्धावस्था आती है तो हमारे गुलाबी गाल, लाल लाल ओठ और चमकदार नेत्रों की खूबसूरती बुढ़ापा आने पर बुढ़ापा स्वयं ही इनको बदसूरती में बदल देता है, अर्थात सारे फिजिकल चार्म्स को नष्ट कर देता है। सो ही फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, फ्लेम्स माने लव फ्लेम्स, इसलिए उसके प्रेम की ज्वालाएं चिंगारियां मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी को इस आधार पर प्यार करता है, he that loves their rosy cheek, अगर कोई व्यक्ति किसी को इस आधार पर प्यार करता है कि उसके गाल गुलाबी है, आरे कोरल लिप एडमायर्स, कोई किसी के ओठों की इसलिए प्रशंसा करता है, एडमायर्स मींस प्रेजेस करता है, प्रशंसा करता है कि कोरल लिप, कि उसके ओठ मूंगा की तरह लाल लाल है। और फ्रॉम स्टार लाइक आई जस्ट टेक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, या कोई व्यक्ति किसी के चमकदार तारे जैसे नेत्रों से अपने प्रेम की ज्वालाओं को धधकाए रहता है, बनाए रहता है, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, तो जैसे ही बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा इस फिजिकल चार्म्स को, गुलाबी गालों को, लाल लाल ओठों को और चमकदार नेत्रों को विनष्ट कर देता है, जिससे इसकी प्रेम की ज्वाला, वह व्यक्ति जो शारीरिक सुंदरता के आधार पर प्रेम करता है, उसके प्रेम की ज्वालाएं भी अवश्य ही नष्ट हो जाती है। अर्थात शारीरिक सुंदरता के आधार पर स्थापित किया गया प्यार बुढ़ापा आने पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यह स्थायी प्यार नहीं होता है। माय स्टूडेंट्स, थॉमस कैरियर सर से दैट ब्यूटी शुड बी इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, थॉमस कैरियर कह रहे हैं कि सुंदरता बाह्य नहीं आंतरिक होनी चाहिए। फिजिकल चार्म्स आर नॉट एवरलास्टिंग, बाह्य सौंदर्य अस्थायित्व वाले सौंदर्य नहीं होते हैं। इफ वी लव, इफ वी मेक लव ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बॉडी, आर इफ वी लव एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चार्म्स, देन आवर लव इज नॉट ट्रू। अगर हम किसी को उसके बाह्य सौंदर्य के आधार पर प्यार करते हैं तो हमारा प्यार सच्चा प्यार नहीं है। बिकॉज इन ओल्ड एज, बुढ़ापा के दिनों में, when we will become unable to move, unable to sit, unable to read, unable to write, unable to go anywhere, means when we will be old and our physical charms will decay,
Then love made on the basis of physical charm must waste away. तो हमारे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्थापित किया गया प्यार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. My students, I have translated this poem into Hindi poem. Myself, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस कविता को अपने द्वारा स्वरचित हिंदी कविता में ट्रांसलेट किया है. मुझे विश्वास है कि मेरे अनुवाद को सुन करके, गुण करके आप अवश्य द ट्रू ब्यूटी कविता के प्रथम स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा के भावार्थ को बखूबी समझ सकते हैं. थॉमस केरे सर ने पहली लाइन लिखा है, ही दैट लव दे रोजी ची आर कोर लिप एडवायर्स. तो ओ जो लाल गुलाबी गाल चाहते, ही दैट लव दे रोजी ची ओ जो लाल गुलाबी गाल चाहते आरे कोरल रिव एडमायर ही दैट लव दे रोजी ची ओ जो लाल गुलाबी गाल चाहते या मूंगा सा ऊंच चाहते हैं आरे कोरल रिव एडमायर ओ जो लाल गुलाबी गाल चाहते या मूंगा से ऊंट चाहते हैं आर फ्रॉम स्टार लाइफ आई द से ब्यूल टू मेंटेन इज बायर ओ जो लाल गुलाबी गाल चाहते या मूंगा से ऊंट चाहते हैं या ताए जैसे नैनों से प्रेमार में ज्योति जलवाते हैं आए जो टाइम मेरे देश दी के सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे उनके प्रेम की यह ज्वाला हिज फ्लेम्स उनके प्रेम की यह ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है मस्ट वेस्ट अवे उनके प्रेम की यह ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है जब जरा जगह कर काया को सब चमक दमक खा जाती है सब चमक दमक खा जाती है. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप माई ट्रांसलेटेड हिंदी पोयम मस्ट प्लीज आप मेरी कविता से अवश्य गदगद हुए होंगे. वंस मोर आई वुड लाइक टू टेल माई ट्रांसलेटेड हिंदी पोयम इन माई ओन वर्ड्स. ओ जो लाल गुलाबी गाल चाहते या मूंगा से ऊंट चाहते हैं या तारे जैसे नैनों से प्रेमाग्न ज्योति जलवाते हैं उनके प्रेम की यह ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है जब जरा जकड़ कर काया को सब चमक दमक खा जाती है जब चमक दमक खा जाती है. मीन्स अकॉर्डिंग टू थॉमस केरे लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट ट्रू लव बिकॉज और फिजिकल चार्म्स आर सब्जेक्ट ऑफ डीके क्योंकि हमारे शारीरिक सौंदर्य तो विनष्ट होने के विषय वस्तु है विद पैसेज ऑफ टाइम समय गुजरने के साथ साथ. ही आल्सो सेज दैट इफ ए पर्सन लव्स एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी On the basis of his physical charms, then we cannot say his love, true love, and this type of beauty is true beauty, because this physical beauty will not remain the same in old age. It is a subject of decay. It must waste away. It is not permanent. So, love made on the basis of external charms and physical beauty will not remain the same as it was in young age. इसलिए बुढ़ापा के दिनों में जवानी में शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्थापित किया गया प्यार जवानी के ऐसा प्यार नहीं रहेगा.
अब यहां प्यार की जगह तकरार होगी, इसलिए लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी एंड फिजिकल चार्म्स सच एज ऑन द बेसिस ऑफ रोजी चीक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कोरल लिप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टार लाइक आईज इज नॉट ट्रू लव, इज नॉट परमानेंट लव एंड दिस टाइप ऑफ ब्यूटी मीन्स फिजिकल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल चार्म्स आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ट्रू ब्यूटी, इट मीन्स फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी एंड लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी एंड फिजिकल चार्म इज नॉट ट्रू इज नॉट इवर लास्टिंग। प्रिय विद्यार्थियों, हमें किसी भी व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य के बजाय उसके वर्चुअल को देखना चाहिए। पीपुल से नावर विलेज, चमड़ी नहीं दमड़ी का महत्व है। हियर चमड़ी एंड दमड़ी आर टू वर्ड्स। चमड़ी मीन्स एक्सटर्नल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ फिजिकल चार्म्स एंड दमड़ी मीन्स ब्यूटी ऑफ वर्चुअल, प्योरिटी ऑफ हाइट, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड। डियर स्टूडेंट्स, चमड़ी एंड दमड़ी, चमड़ी मीन्स एक्सटर्नल ब्यूटी, दमड़ी मीन्स इंटरनल ब्यूटी, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड, कलेक्शन ऑफ वर्चुअल। इसलिए व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज एंड मेक आवर लव ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी नॉट टू ब्यूटी, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट आवर बॉडी एंड फिजिकल चार्म्स आर सब्जेक्ट ऑफ डीके, वी कैन नॉट रिमेन द सेम, सो आवर एक्सटर्नल ब्यूटी एंड फिजिकल चार्म्स आर नॉट परमानेंट, नॉट ट्रू, एंड वी कैन से द थिंग व्हिच इज नॉट ट्रू, द थिंग व्हिच इज नॉट परमानेंट इज नॉट ट्रू ब्यूटीफुल, नॉट एक्चुअल ब्यूटीफुल, सो ब्यूटी ऑफ फिजिकल चार्म्स इज नॉट ट्रू ब्यूटी। इस छह पंक्तियों में थॉमस केरी सर बाह्य सुंदरता को नकार रहे हैं कि हमारी शारीरिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको यह जानकारी आवश्यक है कि रोजी चीक, यहां पर रोजी शब्द जो है वो चीक का एडजेक्टिव है। फिगर्स ऑफ स्पीच में अगर आप जाएंगे तो रोजी चीक में मेटाफर है, फिगर्स ऑफ स्पीच रूपक है। आर ए कोरल लिप एडमायर, यहां पर कोरल मीन्स मुंह का लाल रंग का पत्थर होता है जो लिप का एडजेक्टिव है। यहां भी लाइक कोरल, लाइक छिपा हुआ है, हिडन है, नॉट गिवन है, इसलिए यहां भी फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द थर्ड लाइन ऑफ दिस पोयम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा स्टार लाइक आइज हैज बीन रिटन, लाइक इज द वर्ड ऑफ कंपैरिजन, जहां पर लाइक जो है तुलना का शब्द है, या जहां पर भी आ जाता है वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली होता है। डू यू नो सिमिली, क्या आप सिमिली जानते हैं? व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड देन द फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिमिली। हियर वी से स्टार एंड आइज, दोनों के बीच में कंपैरिजन बनाया गया है। स्टार आकाश में है, आइज मनुष्यों के पास है। बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक इज यूज्ड हियर, और यहां पर दोनों के बीच में तुलना का शब्द लाइक प्रयोग किया गया है, इसलिए स्टार लाइक आइज में फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली होगा। डेथ मीन्स डेथ, फ्यूल टू मेंटेन इज फायर, हियर फायर मीन्स, यहां फायर का मतलब ज्वालाएं नहीं होता है, यहां फायर का लव प्रेम आग प्रेम की ज्वाला। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जैसे बुढ़ापा आता है और इनको बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, सो एज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट वे, और इसलिए उनकी सारी ज्वालाएं अवश्य ही वेस्ट अवे नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अर्थात लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी
मस्ट वेस्ट अवे इन ओल्ड एज, सो वी कैन नॉट से दैट लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी, मीन्स फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, वह सुंदरता सच्ची सुंदरता नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपको थॉमस कैरी सर की कविता की यह प्रथम 6 पंक्तियां अवश्य आपके समझ में आ गई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोयम, सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। बट इन दिस सेकंड स्टैंजा थॉमस कैरी सर मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन External beauty and true beauty. External beauty is beauty of charms and internal beauty is beauty of mind, beauty of soul and collection of virtues. In my next period, I will teach you about true beauty, means purity of heart, purity of mind and purity of virtues.